दोस्तों मार्केट लगातार गिर रहा है। अपनी कैटेगरी में बेस्ट ऐसे चार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आज हम लोग डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं और आज आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसको आपको अभी अपनी कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। तो बिना कुछ वक्त गवाए चले वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम जो चार म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं आज वो चार म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड कोटक स्मॉल कैप फंड। ये चारों स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी में यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इक्विटी के अंदर बेस्ट म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। इसी में ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी आप देखें यहां पे 4 out of 5 है, 4 out of 5, 3 out of 5 एंड 5 out of 5, तो ये यहाँ पे सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप कैटेगरी में है वो आज हम कंपेयर करने वाले हैं। अगर फंड की एज देखेंगे यहाँ पे 8 साल, 8.5 साल है, ये 9 साल और 9 साल काफी अच्छी एज यहाँ पे मतलब तगड़ा एक पीछे का स्पान दिखता हुआ नजर आ रहा है। फंड की साइज देखेंगे 9,200 करोड़ एक्सिस की, 1,822 करोड़ क्वांट टैक्स प्लान की, 12,000 करोड़ SBI स्मॉल कैप की और 7,500 करोड़ कोटक स्मॉल कैप की यहाँ पे दिखती हुई नजर आ रही है। इसके साथ अब जब रिटर्न की बात करते हैं जो कि सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे लोग देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो आप यहां पे अगर एक्सिस बैंक के अंदर देखेंगे हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज को, क्या कैटेगरी एवरेज को कितने होरिजोन के अंदर पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बीट कर पा रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे यहां पे बीट कर रहा है, यहां पे बीट कर रहा है, यहां पे भी बीट कर रहा है, यहां पे भी बीट कर रहा है और यहां पे भी बीट कर रहा है। इसका भी आप देखेंगे यहां पे बीट कर रहा है, यहां पे बीट कर रहा है, यहां पे भी बीट कर रहा है, यहां पे भी बीट कर रहा है और यहां पे भी बीट कर रहा हुआ है। और SBI का अगर आप देखेंगे यहां पे भी बीट कर रहा है, यहां पे भी बीट कर रहा है, यहां पे और यहां पे। और इसका अगर हम लोग कोटक स्मॉल कैप का देखेंगे तो यहाँ पे बीट कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। अब चलिए यहाँ पे तो ये हम समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो तीन फंड है इसमें ज़्यादातर होरिजोन के अंदर में म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिया है वो अच्छा दिया है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न के ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल रिटर्न एक्सिस जब से ये चालू हुआ है पिछले 8 साल से इसने दिया है रिटर्न 24.5% का, जबकि यहाँ पे दो डाउनफॉल इसने ऑलरेडी देख लिए हैं जिसमें एक कोविड का डाउनफॉल था और एक अभी जो चल रहा है रिसेशन का जो माहौल चल रहा है उसका डाउनफॉल दोनों का लेके यहाँ पे ये रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो हर स्मॉल कैप कंपनीज यहाँ पे 20% तक गिर चुकी है, उसकी NAV की वैल्यू गिर चुकी है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप स्विच करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्वांटेक्स प्लान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15% का रिटर्न ओवरऑल जनरेट किया है पिछले 9 साल के अंदर। SBI स्मॉल कैप की बात करें पिछले 9 साल के अंदर सबसे ज्यादा चारों के अंदर 25.73% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और कोटक स्मॉल कैप ने दिया है पिछले 9 सालों में 20.26% का रिटर्न। तो रिटर्न वाइज देखें आप तो यहाँ पे SBI सबसे पहले है, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद कोटक और उसके बाद क्वांट टैक्स प्लान। लेकिन आपको मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे ये दो जो प्लान है क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड, ये दोनों यहाँ पे बैडली हिट हुए हैं और ये अभी जो रिसेशन चल रहा है उसके अंदर ज्यादा हिट हुए हैं। आप ये आपको बताऊंगा वरना इसका रिटर्न भी काफी अच्छा था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस फंड की थोड़ी सी डिटेल। एक्सपेंस रेशियो अगर यहाँ पे आप देखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड का 0.46 है, सबसे कम है। क्वांटेक्स का 0.56 है, SBI स्मॉल कैप का 0.74 है और कोटक का 0.49 है। 0.46 से लेके 0.74 के अंदर एग्जिट लोड 1% है सबका, कोई लॉकिंग इसमें नहीं रहता है। बेंचमार्क यहाँ पे सबका अलग अलग है, स्मॉल कैप किसी का S&P BSE 250 स्मॉल कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक के अंदर ₹500 SIP और 5,000 लमसम कर सकते हैं। क्वांटेक्स के अंदर ₹1,000 SIP, 5,000 लमसम। SBI के अंदर ₹500 की SIP लेकिन लमसम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कोटक स्मॉल कैप के अंदर ₹1,000 की SIP और ₹5,000 का लमसम से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ये चारों म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपका जो NAV प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जबकि शॉर्ट टर्म के अंदर इस फंड में वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में कभी भी ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आप देखेंगे हम लोग जो मेन चीज़ है इसका पोर्टफोलियो।
तो पोर्टफोलियो में आप देखेंगे टॉप थ्री सेक्टर यहां पे दिखाए गए हैं, इसमें केमिकल 16% है, टेक्नोलॉजी 10.5%, कंस्ट्रक्शन 8%, क्वांटेक्स क्वांट स्मॉल कैप के अंदर देखेंगे कंज्यूमर स्टेपल्स 14%, सर्विस 13%, हेल्थ केयर 11.5%, इसमें कंज्यूमर का 16% है, कैपिटल गुड्स 15%, सर्विस 10%, कोटेक के अंदर मटेरियल्स 18% है, कंज्यूमर 17% और केमिकल 10%। अगर आप यहां पे देखेंगे कंज्यूमर एंड सर्विस आपको हर जगह कॉमन दिखता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ जो आप देखेंगे कि ये जो फंड होते हैं सब अलग अलग ऐसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी होती है, लेकिन जिसके अंदर में मल्टी बैगर बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो अगर इस पोर्टफोलियो के अंदर में कुछ कंपनी, मान लीजिए कुछ कंपनी भी अगर मल्टी बैगर बन जाती है तो इसका रिटर्न जो है बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है, नारायण है, ब्रिगेड है, फाइन ऑर्गेनिक्स है, केपिट टेक्नोलॉजी है, ऐसी कंपनीज के नाम आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सब कंपनी का सिलेक्शन होता है बहुत ही इसकी जो टीम होती है वो करती है। फाइनेंशियल्स पे नज़र डाली जाती है, इस कंपनी का पोर्टफोलियो पे नज़र डाला जाता है, क्या बनाती है, कैसी डिमांड रहेगी मार्केट में अगले 10 सालों के अंदर, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे ऐसी कई कंपनीज है जिसके अंदर पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो ज़्यादा आने की संभावनाएं दिखती है, उसी हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसके साथ में अगर कॉमन कंपनीज देखें तो आपको यहाँ पे हो सकता है कोई भी कॉमन कंपनीज ना मिले, जैसे आपको बाकी फंड्स के अंदर मिलेगी। अगर आप लार्ज कैप फंड देखेंगे, आप मिड कैप फंड देखेंगे या आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड देखेंगे तो वहाँ पे कुछ कंपनीज आपको कॉमन दिखती हुई नजर आएगी। अब पी रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखेंगे 31-32% का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। खाली एक क्वांटेक्स प्लान है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है, जिसके अंदर में 19.5 का पी रेशियो दिखाया गया है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ की कैपेसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंपनीज है इस कंपनीज का पी रेशियो कम है जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल ज़्यादा है। लेकिन पूरा चीज़ डिपेंड करता है कि वो कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, वो कौन सी प्रोडक्ट बनाती है। पी रेशियो कम है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ज़्यादा रिटर्न देने वाली है, लेकिन ज़्यादा रिटर्न की संभावनाएं बढ़ जाती है। और बाकी सब होता है उसकी फाइनेंशियल्स के ऊपर और उसके प्रोडक्ट के ऊपर, वो अगर अच्छा रहेगा तो वो कंपनी जरूर से ग्रो करेगी। इक्विटी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप की 80% इक्विटी है, मतलब बाकी के जो 20% है वो डेप के अंदर है। ये यहाँ पे क्वेश्चनेबल मार्क है। ये क्यों है? क्योंकि आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सिस में एक स्कैम हुआ था अभी, जिसके चलते लोगों ने बहुत सेल आउट किया, लोगों ने एक्सिस म्यूचुअल फंड से बहुत पैसा सेल आउट किया, और उस पैसे को देने के लिए यहाँ पे ये लोगों ने जो इक्विटी है वो बेच के थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रख लिया, 20% कैश अपने हाथ में रख लिया, ताकि वो लोगों को जो लोग छोड़ रहे हैं उसको सेल आउट कर रहे हैं उसको पैसा दे सके। क्वांटेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर ऑलमोस्ट 99% का इक्विटी है, इसके अंदर 91% का SBI के अंदर और 95% का कोटक स्मॉल कैप के अंदर है। टर्नओवर रेशियो अगर आप देखेंगे 18 है, 18 एक्सिस का है, 17 SBI का है। तो क्वांट टर्नओवर रेशियो ओके है। टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि जितना जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें कितना शेयर्स बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये ठीक ही है। कोटक स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड रिव्यू करते हैं, कि रिस्क का रेशियो से आपको ये पता चलता है कि इसमें कितनी पोटेंशियल है आगे बढ़ने की। तो यहाँ पे अगर रिस्क के रेशियो देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन 23.55, तो यहाँ पे ये कम होना चाहिए, तो ये ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आप ज़्यादातर देखेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आपको कभी भी सही नहीं मिलेगा। उसके साथ में है बेटा वैल्यू, ये सही है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है और ये भी नहीं है। ये जितना कम रहेगा उतना बेटर रिटर्न दिखेगा। मतलब ये दोनों का मतलब ये है कि ज़्यादा वॉलेटाइल है ये सारे फंड, ऑब्वियसली स्मॉल कैप है तो ज़्यादा वॉलेटाइलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अब जो रिटर्न की बात है वो ये तीन रेशियो से पता चलता है, जिसमें है शार्प रेशियो, शॉर्टिन एंड अल्फा। ये आपका कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है इसका मतलब एक सिग्नल है कि इसमें जो कैटेगरी एवरेज है उससे रिटर्न ज़्यादा बढ़ने वाला है, ज़्यादा देने वाला है ये फंड। यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है कैटेगरी एवरेज से। शॉर्टिना रेशियो भी आप देखेंगे हर एक फंड में आपको ज़्यादा दिखेगा, और अल्फा भी अगर आप देखेंगे हर एक फंड में कैटेगरी एवरेज से आपको ज़्यादा दिखने वाला है, आप देखेंगे यहाँ पे। अब जो मैं बात आपको बता रहा था
कि जो क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट स्मॉल कैप फंड है और कोटक स्मॉल कैप फंड है, इसके अंदर में रिटर्न बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है उसके चलते ये काफ़ी डाउन हो गया है। इसके जो शेयर्स है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, उसकी वजह से ही यहाँ पे इसका रिटर्न कम हो गया है। अगर आप इसका अल्फा देखेंगे, जनरली अल्फा बयां करता है जिसका अल्फा ज़्यादा होता है उसका रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे उल्टा है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड और कोटक, ये दोनों का अल्फा ज़्यादा है लेकिन रिटर्न सबसे कम है। इसका रीज़न यही है कि अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें इसको काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके शेयर्स काफ़ी कम हुआ है। लेकिन अगर आप एक्समिस स्मॉल कैप का देखेंगे और SBI का देखेंगे तो यहाँ पे 8 और 12 है। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जो रिटर्न है वो क्वांटेक्स से ज़्यादा यहाँ पे दोनों फंड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में कंक्लूजन की अगर बात करता हूँ, चारों फंड में से किसी में भी आपका पैसा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से एक या दो फंड चूज करना चाहते हैं तो आपको मेरे हिसाब से SBI एंड एक्सिस को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करने वाले हैं या शुरू कर रहे हैं तो आपको SBI और एक्सिस में जा सकते हैं, क्योंकि इसका रिटर्न अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, रिस्क लेने की कैपेसिटी अच्छी है और रिस्क के ऊपर जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वो काफी बढ़िया है। इसके साथ में आपको और भी कुछ डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही नए वीडियोस, मजेदार वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं। मिलता हूं और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय।